जिस देश में एक तरफ स्त्रियों को पूजा जाता है उसी देश में दूसरी तरफ उनके साथ बलात्कार हो रहा है। आदाब, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मानू अपडेट। हमारे देश में दिन प्रतिदिन ऐसे रेप के वाक़यात देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में पिछले दिन 27 नवंबर को दिल दहला देने वाली वाक़या हैदराबाद में देखने को मिली, जिसमें डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जो अपने ऑफिस से काम करने के बाद रात को घर को लौट रही थी और उनकी स्कूटी रास्ते में पंक्चर हो गई, जिसकी वजह से उनको घर जाने में लेट हुआ और उन्होंने अपने घर को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन पता चला कि उनके साथ रेप करके और उनको जिंदा जला देने के बाद उन्हें ब्रिज के नीचे फेंक दिया गया। तो आइए जानते हैं इस हादसे की पूरी रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद है मुजाहिदुल इस्लाम जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, तो आइए जानते हैं क्या है रिपोर्ट। जब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था, जब मैं इस रिपोर्ट के बारे में जानने की कोशिश की, तो मेरे अंदर एक अजीब सा डर बन गया था, एक अजीब सा डर पैदा हो गया। 2012 16 दिसंबर 2012 याद ही होगा आप लोगों को, निर्भया कांड, जो कि जब निर्भया कांड हुआ था तब ऐसा लगा था जिस तरह से लोगों के अंदर गुस्सा था, तो ऐसा लगा था शायद ही अब इस तरह के मतलब हो पाएगा, इसको सही से उसके जो एक्यूज्ड हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको जल्द ही सज़ा मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी भी निर्भया के जो आरोपी हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनका अभी भी फांसी नहीं हुई है, 7 साल हो चुका है। और जो प्रियंका रेड्डी थी वो एक डॉक्टर थी, विटनेस डॉक्टर थी जानवरों की, और वो सादनगर की रहने वाली थी और वो शमशाबाद में जॉब करती थी, और वो डेली अपनी स्कूटी से जाया करती थी टोल प्लाजा, वहाँ अपना स्कूटी पार्क करती थी, वहाँ से फिर कैब से जाती थी। और एक्चुअली उस दिन 27 नवंबर को उसका अपॉइंटमेंट था एक डॉक्टर के साथ, शायद कुछ स्क्रीन प्रॉब्लम था जो जैसा कि मैं पढ़ा तो मुझे जानने को मिला। तो आते वक्त जब वो आई टोल प्लाजा जहाँ अपना स्कूटी पार्क की थी, वहाँ देखी तो उसका स्कूटी पंक्चर था, पिछला वाला टायर तो पंक्चर था। तो फिर वो कुछ लोगों से हेल्प मांगी, फिर कुछ लोग आए भी हेल्प करने के लिए और बहुत लोगों को इग्नोर भी कर रहे थे, और उसको भी डर लग रहा था कहीं ना कहीं, एक होता है ना सेक्स सेंस, उसको लगता है नहीं कोई किस तरह किस तरह के निगाहों से उसको देखा जा रहा, तो समझ में आ जाता है कि तो जब वो तो उसको डर लग रहा, तो अपने फैमिली, अपने छोटी बहन ने उसको कॉल किया, उनको फ़ोन में बताया कि तुम मेरे साथ लाइन में रहना, मुझे डर लग रहा है कि लोग मुझे अलग तरह के निगाहों से देख रहे हैं, तो मुझे डर लग रहा है। फिर कॉल में रहती, फिर 9:42 में उसका कॉल स्विच ऑफ हो जाता है। फिर पता नहीं उसके फैमिली फिर सोचते हैं कि फिर कॉल लगाने की कोशिश करते हैं तो कॉल नहीं लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके फैमिली पहुंचते हैं उस जगह पे, वो चूँकि वो अपना एड्रेस बता चुकी थी कि इस जगह पे मैं हूँ, वहाँ भी आते तो वो मिलती नहीं, ना ही उसका स्कूटी मिलता है, ना ही वो मिलती है वहाँ पे। तो फिर वो साइबराबाद पुलिस स्टेशन जाती है, तो पुलिस वाले बताते हैं कि इस जो ये एरिया है वो मेरे अंडर में नहीं आता, तो आपको शमशाबाद जाना होगा। तो फिर ये शमशाबाद जाते उसके फैमिली, फिर जाने के बाद वहाँ पे फिर शमशाबाद जाती है, जाने के बाद फिर कार्रवाई होती है, और उसके बाद फिर सुबह में लाश मिलती है एक ओवर ब्रिज के नीचे। और फिर तब तक ट्वीट भी आ चुका था हमारे जो तेलंगाना के जो होम मिनिस्टर हैं मोहम्मद अली, उन्होंने वो कहते हैं कि शायद वो अपने फैमिली, अपने बहन को कॉल नहीं करके अगर 100 नंबर में कॉल करती है तो शायद ये हादसा नहीं होता। और जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर, वो भी कहे, उसको वो भी ट्वीट में कहते हैं हमारे पास 142 कार है, पेट्रोलिंग कार, अगर वो कोई अगर 100 में कॉल करे तो 6 मिनट में उसके पास मौजूद हो जाते हैं वो पेट्रोलिंग कार, और ये बलात्कार नहीं होता। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि उसको क्या पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला था, क्या उसको पता था कि मेरे साथ रेप हो गया, मेरे साथ मैं जिंदा शायद कुछ घंटों बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूं। जैसे कि आपने ये रिपोर्ट देखी, कहीं ना कहीं अब भी लोगों के अंदर ऐसी डर भय पैदा हो रहा है जो 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड के बाद हुआ था, और आज भी ऐसे वाक़यात देखने को मिल रही है। इस हादसे के बाद पूरे देश में लोगों के अंदर आक्रोश और गुस्सा पैदा हो गया था, और लोगों का सिर्फ यही कहना है कि जब तक उन लोगों को फांसी नहीं दिया जाएगा तब तक हमारे देश में ऐसे वाक़यात देखने को मिलेंगी। तो आइए जानते हैं कि हमारे देश में प्रतिदिन कितने रेप होते हैं, कितने लोगों की मौत होती है। अक्सर देखा जाता है कि रेप का जो वाक़यात है वो नाबालिगों के साथ किया जा रहा है। क्या इन सारे वाक़यात को देखते हुए हमारी सरकार कोई एक्शन ले रही है, और एक्शन ले रही है तो ये रेप का वाक़यात कम क्यों नहीं हो रहा है? आसिफ साहब, मैं आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक
हमारे देश में लगभग 24,212 रेप हो चुके हैं, वो भी इसमें से ज़्यादातर जो है वो नाबालिग लड़की है। और अगर देखा जाए तो हर साल इंडिया में 40,000 रेप होते हैं और पर डे 106 रेप होते हैं, फिर भी सरकार अभी तक कोई ठोस एक्शन नहीं ले रही है। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि निर्भया केस में तो 12 दिसंबर 2016 को जो हुआ था, इतने सारे कैंडल मार्च हुए, इतने लोगों के अंदर गुस्सा था, ऐसा लग रहा था कि वो हर इंसान की, जबकि निर्भया को कोई नहीं जानता था, लेकिन ऐसा लगता तो हर घर की बेटी है, लोगों के अंदर एक अलग तरीके का गुस्सा देखने को मिला। तक बाद ये लगा कि नहीं, अब ये इस तरह के जो एक्यूज है उसको जल्दी से जल्दी कोई नया कानून बनेगा, लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बना। निर्भया का जो आरोपी था, जो अभी तक वो जेल में है, अभी तक उसको फांसी की सजा सुना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई फांसी नहीं हुई है।